जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बड़े से बड़े तंत्र की काट हो सकती है एक ही दिन में। ये एक दिन कौन सा है? ये एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है कि जब दशहरा होता है तो दशहरा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये बात आप जानती हैं, क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय का ये एक संकेत है। और जब कोई व्यक्ति किसी के परिवार के ऊपर तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, महामाया या महामाया जाल, किसी भी प्रकार का जंजाल अगर किसी के परिवार पर छोड़ा होता है तो दशहरे के दिन सबसे बड़ी चीजों की काट होती है। करना क्या है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, चलो मैं आज आपको बताता हूं। इस वीडियो में लाइव बने रहना। आपके परिवार के कष्ट कटने वाले हैं भगवान राम की कृपा से, दादा हनुमान जी की कृपा से और जगत जननी मां दुर्गा की कृपा से। आपको पता है कि जैसा कि ये जो शरदकालीन जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में आपको ये भी पता है कि ये नवरात्रे भगवान राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन नवरात्रों को रखा था। और इन नवरात्रों को रखने के बावजूद उन्होंने जब ये देखा कि रावण जैसा मायावी असुर जब वो काबू नहीं आ रहा था, वैसे तो वो बहुत ज्यादा बहुत विद्वान था और बहुत ज्ञानी था, लेकिन अगर उसकी शक्तियां अगर सही कार्य के लिए यूज की जाती है, सही कार्य या उद्देश्य के लिए लगाई जाती, तो उस जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। और वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का था, उनकी माता जो थी राक्षस पर जाति से थी और पिता ब्राह्मण कुल से थे, तो इसलिए वो ब्राह्मण था और ज्ञाता था वेदों का, और चारों वेदों का ज्ञाता था, ज्ञानी था और तंत्र का माहिर था। तंत्र विद्या, अघोर विद्या, काली विद्या, सारी विद्याओं का ज्ञाता था। अगर अब वो रावण की जो दशहरे का समय होता है ना, ये एक ऐसा समय होता है बड़ी से बड़ी शक्तियों की काट करता है। कैसे करता है ये आज जान लीजिए। मान लीजिए आपके परिवार के ऊपर कोई काला तंत्र छोड़ा हुआ है, कोई परिवार के ऊपर अघोर क्रिया छोड़ी हुई है, कोई ऐसा तंत्र किया हुआ है जो आपकी समझ से बाहर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हुआ हुआ है, ना आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके परिवार पे क्या दिक्कत है, तो क्या करना है, एक ऐसा शक्तिशाली ओसारा तैयार करना है जिससे अपने घर का उतारा करना है, अपने परिवार का उतारा करना है। अगर कारोबार में दिक्कत है तो कारोबार का उतारा करना है। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये वीडियो एंड तक आप देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बेल आइकॉन बटन को भी दबाना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक 1.25 मीटर आपको काला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और एक शमी की लकड़ी लेनी है। शमी की लकड़ी के अंदर जो है कांटे जरूर होने चाहिए। शमी की लकड़ी लेनी है और उसी लकड़ी के अंदर एक जायफल लेना है, उसी सामान के अंदर। जायफल के साथ साथ आपने लेना है थोड़ा सा भीमसेन कपूर। भीमसेन कपूर ले लिया आपने। अब लेनी है कॉटन, कॉटन लेनी है। उस कॉटन पर अपने घर के सभी सदस्यों का कॉटन आपने बड़ी लेनी है, कम से कम इतने बड़े साइज की होनी चाहिए, आपके हाथ के आकार की। घर के सभी सदस्यों का आपने कुमकुम में हाथ लगाकर उस कॉटन पर लगा देना है। सभी सदस्यों का, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी का कुमकुम में हाथ लगाकर उस कॉटन पर लगा देना है। उस कॉटन के अंदर ये सारा सामान जो है आपने रख लेना है। अब लेना है एक बजने वाला नारियल, एक बजने वाला नारियल ले लीजिए। ये लेके उसके बाद जो है आपने उस नारियल के इर्द गिर्द ये सारा कॉटन समेत सामान जो है कपड़े में बांध लीजिए। इस प्रकार से ऐसे कपड़े में आपने लपेट लिया। लपेटने के बाद जो है आपने कलावे से बांधना है तो कलावे से बांध लीजिए, नहीं तो आपको गांठ मारनी है तो गांठ मार लीजिए। अब ये बनाकर आपने रख लिया। अब करना क्या है, काट करने के लिए आपने बजरंग बाण का कार्य करना है। बजरंग बाण से ही इस चीज की काट होगी। एक भीमसेन कपूर जलाना और बजरंग बाण के 11 पाठ आपको करने हैं। 11 पाठ ये कब करने हैं, कितने बजे करने हैं, कितने बजकर आपको ये जो उतारा है कब कर और कहां छोड़ के आना है, ये सारा बताता हूं मैं आपको। आपने कपूर रखा, कपूर के ऊपर 3 लौंग रख दी, बजरंग बाण का पाठ जो है आप करते रहिए, कपूर डालते रहिए और बजरंग बाण का पाठ करते रहिए। 11 पाठ पूर्ण होने के बाद ये उसारा जो है अपने पूरे परिवार के ऊपर से और अपने घर के हर कमरे में, हर जगह में, हर हर जो भी आपका स्टोर है कहीं भी है और ऐसी वहां पर और अपने घर की छत पर भी घूमकर अपने हाथ में लेकर बजरंग बाण का पाठ करते करते आप जो है इसको घुमा सकते हो। अगर आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं आता तो मोबाइल में भी लगा सकते हो, अपने ऊपर की जेब में डालकर आप सुनते सुनते उसके साथ बोलते बोलते साथ में चले जाइए। उसके बाद जब आप ये कार्य कर लीजिए, आप जहां पर आपके कहीं भी रावण जो दहन होता है
उस रावण दहन जहां भी होता है, अब वहां पर उस ब्राह्मण देव, उस ब्राह्मण देव से प्रार्थना करना, क्योंकि वो ज्ञानी था, विद्वान था, बहुत बड़ा, और लास्ट में उसने प्रभु श्री राम की शरण भी ग्रहण करी, तो उनसे प्रार्थना करना कि मेरे परिवार पे बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ी अघोर विद्या, काली विद्या, मसान विद्या या कुछ भी ऐसा कार्य किया गया हो। तो हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु श्री राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर का तंत्र, मेरे घर की काली विद्याएं स्तंभित कर दी जाए। वो जो उसारा आप लाए थे वहां पर छोड़ देना है रावण, वहां पर उनके चरणों में डाल दीजिए, पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद आप कहीं भी आओ, हुल्ला करो, उसके बाद दोबारा फिर आप रावण दहन देखने जा सकते हो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कार्य आप कर लीजिए, करने के बाद एक चौमुखा दीपक, उसी दिन एक चौमुखा दीपक जो है पीपल पर जाकर प्रज्वलित कर देना, भूलना मत, ये पीपल पर जाकर प्रज्वलित कर देना। बड़े से बड़ी काली विद्या आपके परिवार पे करेगी होगी, कोई भी विद्या आपके परिवार पे करी होगी, खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि भगवान राम ने जब रावण मर नहीं रहा था तब जाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था, और प्रसन्न करने के बाद माँ दुर्गा से विजयी भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया था, और तब विजयदशमी मनाई जाती है, और इसीलिए जब रावण पर चढ़ाई करी थी, उसका संहार किया था, इसीलिए विजयदशमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। और आपने भी आज जब आपके घर का तंत्र कट रहा है, तो इसको इस प्रकार से आपने, जब मैंने जो तरीका बताया ऐसे ही करके आना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, लगातार 11 दिन तक जब तक दिवाली है, या 21 दिन तक, दशहरे के 21 दिन तक बीच में दिवाली है, उस दिन तक लगातार आपको सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ अपने घर में कंटिन्यू रखिए। दिवाली पर भी आपको किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी आपके घर में प्रभाव नहीं कर डालेगी, क्योंकि आपने अपने घर की ऊर्जा को दशहरे से ही प्रभावशाली अपने घर को बना लिया। आपके व्यापार में भी आप ये काम कर सकते हो, आपकी फैक्ट्री में भी आप ये काम कर सकते हो, अपने घर के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो, और ये कार्य जो मैंने आपको बताया 101% आपके लिए कार्य करेगा, क्योंकि आप जब इसको हृदय से करोगे, कहते हैं कि शंका और श्रद्धा दोनों बहने हैं, अगर आप शंका जिता के करोगे तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा, अगर भाव से करोगे कि मैं जो ये कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप लेडीज भी कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेडीज भी कर सकती है अपने परिवार के लिए, इस कार्य को कीजिए, और क्या पता आपने बाबा के आगे गुहार लगाई हो कि मैं अपने घर के संकटों से परेशान हो चुकी हूं, या संकट ने मुझे बहुत घेर लिया है, तो किसी ना किसी रूप में आकर प्रभु की शक्ति आपको अपने आप ज्ञात कराती है, और ये कार्य करने से आपको खुद एक लाभ का एहसास होगा, आपको लगेगा कि कोई ना कोई नकारात्मकता मेरे शरीर से हटी है, मेरे परिवार से हटी है। कारोबार में दिक्कत है तब भी कीजिए, फैक्ट्री में दिक्कत है तब भी कीजिए, घर परिवार में दिक्कत है तब भी कीजिए, किसी एक व्यक्तिगत विशेष को दिक्कत है तब भी कीजिए, तो इसको करने से लाभ आपको प्राप्त है, करना आपने है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो को प्राप्त कर सके और अपने घर का लाभ उठा सके। जय माता।